हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कुंतल और आप लोग देख रहे हैं एजू 360 चैनल। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हूं, जिस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाला हो कि एक यूनिवर्सिटी को लेके, मतलब ये जो वीडियो है ना, ये एक रिव्यू वीडियो होने वाला है एक यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है दी नियोटिया यूनिवर्सिटी और मेरिन यूनिवर्सिटी के नाम पे भी जाना जाता है, और जो कि सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में सिचुएटेड है। हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट से लेके, एडमिशन प्रोसीड्योर से लेके, स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ, और लोकेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो का एंड। तो सबसे पहले दी नियोटिया यूनिवर्सिटी का रिव्यू में हम लोग जानेंगे कि लोकेशन कहाँ है यूनिवर्सिटी का। तो दी नियोटिया यूनिवर्सिटी ये जो यूनिवर्सिटी है, ये नियोटिया ग्रुप का यूनिवर्सिटी है, जो कि अंबुजा सीमेंट के बारे में आप लोगों को पता ही है, और अंबुजा नियोटिया ये सेम ग्रुप है। तो इस ग्रुप का ही यूनिवर्सिटी है, खुद का यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस, मतलब जो कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट है, साउथ 24 परगना, ठीक है ना, साउथ 24 जो परगना है उसमें ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड करता है। और जो लोकेशन है वो है सरिसा या डायमंड हार्बर जाने के लिए जो रोड पड़ता है उसके बीच में ही यूनिवर्सिटी मतलब सिचुएटेड है। तो यूनिवर्सिटी में हम लोग पहले जानेंगे कि इसका रैंकिंग, प्रोफाइल, रिकॉग्निशन, अप्रूवल वगैरह सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो है, ये यूनिवर्सिटी पहले इंस्टीट्यूट था, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नाम से था, द नियोटिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नाम से था। एंड 2014 के बाद ये एक यूनिवर्सिटी बन गया, ठीक है ना, जो कि UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से ये अप्रूव्ड है, और 2014 में इसका अप्रूवल मिला हुआ है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी का अप्रूवल। और रैंकिंग में टाइम्स ऑफ इंडिया और टॉप रैंकिंग एरिया, इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से यूनिवर्सिटी मतलब वेस्ट बंगाल में टॉप 10 में तो आ ही जाता है बिल्कुल। और ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये कोलकाता मेन सिटी से थोड़ा बहुत दूर है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये मेन सिटी में है, लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी थोड़ा आउटसाइड में है, क्योंकि इतना बड़ा लार्ज ग्रीन कैंपस कोलकाता मेट्रोपॉलिटन में तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए यूनिवर्सिटी थोड़ा हटके, मतलब सिटी से थोड़ा हटके बनाया गया है। तो दी नियोटिया यूनिवर्सिटी में सबसे मतलब खास बात जो है, इसमें मेरिन इंजीनियरिंग, जो कि मेरिन इंजीनियरिंग या नॉटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, जो कि इंडिया में बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है ये दोनों कोर्स को रन करने के लिए। मतलब अगर कोई कैंडिडेट, उसका ड्रीम है कि मैं मेरिन इंजीनियर बनूंगा, मैं सेलियर बनूंगा, ठीक है ना, तो उसके लिए ये यूनिवर्सिटी जो है मतलब एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और ये जो मैरिटाइम स्टडीज जो स्कूल है, मतलब मेरिन इंजीनियरिंग और नॉटिकल साइंस जहाँ पे पढ़ाया जाता है, इसका रिकॉग्निशन जो है वो डीजी शिपिंग ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। डीजी शिपिंग मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ शिपिंग जनरल जिसको बोलते हैं, मतलब जनरल ऑफ शिपिंग, तो इससे ये एफिलिएटेड है। मतलब अगर आप यहाँ से मेरिन इंजीनियरिंग या आपका जो नॉटिकल साइंस अगर आप पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप एट द लास्ट, मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद, यू विल गेट डेफिनेटली ए गुड जॉब फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो चलिए इसके बाद हम लोग जाते हैं कैंपस साइज के अंदर। तो कैंपस साइज जो है 60 एकड़ में लार्ज ग्रीन कैंपस है। मतलब अगर आप कैंपस में जाते हैं तो कैंपस में एंटर होने के बाद ही आपको दिख जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एंड उसके आसपास आपको दिख जाएगा डिफरेंट ब्लॉक्स, जैसे कि स्कूल ऑफ आर्ट एंड कुलिनरी साइंस, उसके बाद मैरिटाइम स्टडीज, उसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट, बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह जो है ये आपको दिख जाएगा। और एग्रीकल्चर के लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सबसे पहले जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर कोर्स को लॉन्च किया था वो नियोटिया यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे, कैंपस साइज हो गया, अभी हम लोग जानेंगे कि यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट सिचुएशन में स्टूडेंट कितना होते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि मतलब यूनिवर्सिटी या जो भी इंस्टीट्यूशन है इसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है, फैकल्टी का स्ट्रेंथ कितना है। तो देखिए, प्रेजेंट में एज पर यूनिवर्सिटी का जो मतलब रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में लगभग आपको 4000 स्टूडेंट प्रेजेंट सिचुएशन में देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो है स्टूडेंट मिला के, और फैकल्टी जो है वो 200 के आसपास आपको फैकल्टी मिल जाएगा। और मैं खुद भी विजिट किया नियोटिया यूनिवर्सिटी में, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बोल पाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, इसका फीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बोल पाऊंगा।
तो अगर कोर्स अवेलेबिलिटी के बारे में अगर बोलेंगे तो 50 के आसपास कोर्स चलता है इस यूनिवर्सिटी के, जो कि कोलकाता सिटी में एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है और इतना सारा कोर्सेस मतलब बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में होता है, रन होते हैं कोलकाता के अंदर। तो इसमें आपको दिख जाएगा बीटेक इन सीएससी वगैरह, सिविल मैकेनिकल दिख जाएगा और मैरीन इंजीनियरिंग दिख जाएगा 4 ईयर्स का, और नॉटिकल साइंस भी दिख जाएगा 3 ईयर्स एंड 6 मंथ का। उसके बाद आपको होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्कूल ऑफ फार्मेसी भी है इसमें, जो कि टॉप रैंकिंग में आता है स्कूल ऑफ फार्मेसी। उसके बाद आपको और भी बहुत सारा कोर्सेस है, जैसे कि आपका बीसीए वगैरह, बीबीए वगैरह, ये सब मतलब जितना सारा यूजी, पीजी और मतलब पीएचडी का भी बहुत सारा कोर्सेस है, लेकिन यूजी और पीजी के लिए बहुत सारा कोर्सेस है। पीजी में आपको एलएलबी, एलएलएम, उसके बाद आपको मास्टर्स में मास्टर इन मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको एमएससी इन एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में, तो ये सब जो कोर्सेस है ये आपको दिख जाएगा यूनिवर्सिटी में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फीस और स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि जाना जाते हैं दी नियोटिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल में, तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। तो पहले जान लेते हैं फीस के बारे में। तो देखिए जो फीस है ना, जितना सारा कोर्सेस है, जितना सारा डिसिप्लिनरी है, इसमें फीस जो है ये नॉमिनल है एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल में जितना सारा यूनिवर्सिटीज है इसमें आपको नियोटिया में तो बहुत ही कम दिख जाएगा कोर्स फीस, जो कि बीटेक पढ़ाया जाता है 4.5 लाख के अंदर। उसके बाद मैरिटाइम स्टडीज जो है ये आपको मतलब मैरीन इंजीनियरिंग और नॉटिकल साइंस, ये आपको 6-7 लाख के अंदर खत्म होने वाला है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फीस इज ठीक है, नॉमिनल है एज कम्पेयर टू द अदर यूनिवर्सिटी इन कोलकाता। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। नियोटिया यूनिवर्सिटी एकलता एक यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, जो कि सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप ऑफर करता है उसके स्टूडेंट को। तो जान लेते हैं स्कॉलरशिप का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए स्कॉलरशिप जो है आपको आपका जो 10+2 मतलब 12 का जो परसेंटेज है तो उसके बेसिस में भी मिल जाएगा। अबव 70% अगर है आपका 12 के स्कोर में तो आपको बहुत सारा स्कॉलरशिप मिलेगा, जैसे कि 25%, 50%, उसके बाद आपका 90%, इवन 100% भी आपका जो स्कॉलरशिप है वो फीस से कट जाएगा। मतलब फीस का ट्यूशन फीस जो है इसके ऊपर आपको 100% अप टू 100% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद अगर स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा है, अगर स्टेट लेवल का अगर आप प्लेयर है तो आपके लिए भी बहुत सारा स्कॉलरशिप रहेगा। अगर नियोटिया यूनिवर्सिटी या नियोटिया और अंबुजा ग्रुप का अगर कोई एम्प्लॉई है आप, और उसका आपका अगर मतलब लड़का या लड़की अगर इस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ेगा तो उसके लिए भी 50% या आई थिंक 60-70% स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस के ऊपर मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो उन लोगों का भी एक स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिल जाएगा यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप पकड़ लीजिए 4 लाख का अगर आपका फीस है बीटेक का, तो अगर आप थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है तो आपका फीस आई थिंक 2.5-3 लाख के आसपास आपका फीस आएगा। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अभी हम लोग आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो TNU, दी नियोटिया यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आपको फीचर्स क्या क्या है यूनिवर्सिटी का, क्या क्या आपको देखने को मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो जान लेते हैं एक एक करके। तो देखिए ये एक मैरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो ऑब्वियसली स्विमिंग पूल तो ये है ही यूनिवर्सिटी में, तो आप स्विमिंग पूल का भी मजा ले सकता है। उसके बाद जिम वगैरह, ऑडिटोरियम वगैरह, आपको स्पोर्ट्स के लिए आपको वॉलीबॉल से लेके सब कुछ, आपको क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और जिम, योगा करने के लिए मतलब डिफरेंट प्लेसेस, ये सब आपको दिख जाएगा। और जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटी है वो भी टाइम टू टाइम करवाया जाता है, ठीक है ना। और जो मतलब मैरीन इंजीनियरिंग या नॉटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि कैंपस के अंदर ही 4-5 बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसमें उन लोगों को 6-7 बजे उठने के लिए मतलब हर दिन 6-7 बजे उठना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, स्विम करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आफ्टर फिनिशिंग देयर कोर्स उन लोग क्या करेगा, शिपिंग में जाएगा, शिपिंग इंडस्ट्री में। तो ये जो हैबिट है ये यूनिवर्सिटी से ही ये रेगुलेट करवाया जाता है स्टूडेंट को, और इसके लिए भी इंचार्ज वगैरह रहता है पूरा 24 आवर्स उस स्टूडेंट को मतलब ख्याल रखता है मैरीन इंजीनियरिंग और नॉटिकल साइंस का। तो यूनिवर्सिटी ठीक ठाक है कैंपस साइज का,
अगर बात करते हैं तो वो भी ठीक ठाक है। मेंटेनेंस के बारे में अगर बोलेंगे तो ठीक है, लश ग्रीन कैंपस आपको यूनिवर्सिटी में हर ब्लॉक के अंदर अंदर मतलब चारों तरफ से आपको लश ग्रीन कैंपस मतलब प्लांट्स वगैरह दिख जाएगा आपको, ठीक है ना, और जो मतलब लैंडस्केपिंग वगैरह है ये सब भी आपको दिख जाएगा। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में और ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के बारे में, तो देखिए यूनिवर्सिटी जो है मतलब रेगुलरली प्रेजेंटली 20 प्लस इंडस्ट्री के साथ मतलब बहुत ही डायरेक्टली टाई अप्स हैं। वो सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं, स्टूडेंट को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए प्लेसमेंट, उन लोगों का स्किल पर्सनल स्किल डेवलपमेंट ये सब करने के लिए 20 प्लस जो मतलब इंडस्ट्री है वो तो कॉलेज के आसपास ही मतलब कॉलेज के अंदर ही उसका टाई अप्स वगैरह हर समय रहता है स्टूडेंट को अच्छा करने के लिए, अच्छा जगह पे पहुंचने के लिए। तो 20 प्लस तो ऐसे ही मतलब टाई अप्स पे है, और उसके बाद भी जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो ड्राइव में पकड़ लीजिए मतलब बहुत सारा आपको एमएनसीज वगैरह जो है, कंपनीज वगैरह है, रेप्यूटेड कंपनीज जो है वो आता है स्टूडेंट को लेने के लिए। और सबसे बड़ा बात नियोटिया ग्रुप में आपको बहुत सारा इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा, जैसे कि प्रॉपर्टी का बिजनेस है अंबुजा नियोटी का, उसके बाद आपका सीमेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, उसके बाद नियोटिया हॉस्पिटल के बारे में आपको पता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ से पैरामेडिकल नर्सिंग वगैरह मतलब करके निकलता है उन लोगों का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का पकड़ लीजिए 80% स्टूडेंट का प्लेस हो जाता है नियोटिया हॉस्पिटल में। प्लेसमेंट पैकेज के बारे में बात करेंगे तो एवरेज पैकेज जो है 3.5 to 4 lakhs मिल जाएगा, जो कि फीस के अनुसार फीस के हिसाब से आपका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। और हाईस्ट पैकेज जो कि है वो 10 lakhs अबव मिल ही जाता है, जो कि एक या दो बच्चे को ही मिलता है। तो ट्राई कीजिए हाईएस्ट पैकेज जो है वो मिल मतलब आपको मिलने के लिए। तो ये पूरा वीडियो में आज एक मतलब रिव्यू मैंने बता दिया दी नियोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि जाते हैं TNU यूनिवर्सिटी के नाम से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और शेयर कर दीजिए जो स्टूडेंट्स नया नया कोर्स के लिए ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और मतलब नया साल में 2023 में एडमिशन के बारे में जिसका कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरा वीडियो का या मेरा चैनल का, यूट्यूब चैनल का लिंक का, क्योंकि हर वक्त मैं एजुकेशन रिलेटेड कॉलेज का रिव्यू रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं। और अगर नियोटिया यूनिवर्सिटी में अगर आपका एडमिशन के लिए कोई अगर ज़रूरत है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप डेफिनेटली कॉल करके जान सकते हैं, क्योंकि एडमिशन का जो काम है वो भी मैं करता हूँ नियोटिया यूनिवर्सिटी में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक के लिए सुस्त रहे और नमस्कार।